कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट देयर केमिकल लेवल। ये पहली बात तो कि ये हमारे बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, वन ऑफ द थ्री इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर अस, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, द कंपोनेंट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट द बायोकेमिकल लेवल, एट द केमिकल लेवल, एंड दे आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच इंक्लूड, द कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच इंक्लूड शुगर्स, फाइबर्स एंड स्टार्चेस। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन फर्दर स्लाइड्स। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर एसेंशियली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दैट इज दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड वाटर एंड हैव अ कंपोजिशन ऑफ CH2O N। सो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू देयर नेम, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन द बेसिक स्ट्रक्चर इज CH2O N। सो यू कैन सी इन स्लाइड्स दैट कार्बोहाइड्रेट्स हैव अ बेसिक केमिकल कंपोजिशन ऑफ CH2O N, मीन्स द कार्बन एटम इज अटैच विथ डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स। वन कोवेलेंट बॉन्ड इज अटैच विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग OH, COH एंड अदर कार्बन, एंड द अदर ऑन द अदर साइड इट इज अटैच विथ हाइड्रोजन विद अ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द बेसिक स्ट्रक्चर इज CH2O N। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेजर फंक्शंस विद इन द बॉडी? इन अवर बॉडी दे प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शन, दे हैव मेजर फंक्शंस इन अवर बॉडी। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस? फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ और द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन अवर बॉडी इज टू रेगुलेट, टू प्रोवाइड एनर्जी एंड टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अवर बॉडी। द सेकेंड इज स्पेयरिंग द यूज ऑफ प्रोटीन्स फॉर एनर्जी। दे स्पेयर प्रोटीन्स फॉर एनर्जी इफ दे आर नॉट अवेलेबल, एंड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर यूटिलाइज्ड। सो दे प्रिवेंट और स्पेयर प्रोटीन्स फॉर यूटिलाइजेशन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसी कारण से बॉडी में, तो सबसे पहला कौन सा यूटिलाइज होता है पार्ट? हमारे बॉडी का कार्बोहाइड्रेट पार्ट यूटिलाइज होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। थर्ड पॉइंट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स एंड प्रिवेंटिंग कीटोसिस। ये क्या करते हैं? ये फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं और कीटोसिस को प्रिवेंट करते हैं। फोर्थ इज बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन प्रोसेस। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन प्रोसेसेस। फिफ्थ इज दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लेवर एंड स्वीटनर्स। एंड द फिफ्थ इज, सिक्स्थ इज डाइट्री फाइबर। दे आर सोर्स ऑफ डाइट्री फाइबर्स इन अवर बॉडी। सो फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन बी रिटेड इन दिस वे। कार्बोहाइड्रेट स्पेयर प्रोटीन सो दैट प्रोटीन कंसंट्रेट ऑन बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी टिश्यूज। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? प्रोटीन्स को स्पेयर कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं ताकि प्रोटीन यूटिलाइज किए जा सके हमारे बॉडी के बिल्ड बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी के रिपेयरिंग में और मेंटेनिंग बॉडी टिश्यूज, इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होते हैं, ये प्रोटीन को बचा के रखते हैं ताकि प्रोटीन हमारे बॉडी के बिल्डिंग में, रिपेयरिंग में, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज में यूटिलाइज किए जा सके। फॉर फैट टू बी मेटाबोलाइज प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट्स मस्ट बी प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट रहता है फैट के मेटाबॉलिज्म में हमारे बॉडी में। इफ दे आर नॉट इनफ कार्बोहाइड्रेट्स देन लार्ज अमाउंट्स ऑफ फैट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी। अगर हमारे बॉडी में फैट कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तब उसके बाद क्या होता है? देन फैट्स आर यूटिलाइज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले होता है कि कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज हो जाए। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होता है तो फैट यूटिलाइज होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यू।
कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट होता है नर्व टिश्यूज के, हमारे नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे ब्रेन में जो है एनर्जी का ये एकमात्र सोर्स होता है। मतलब ब्रेन सेल्स हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट को ही यूटिलाइज करती हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सर्टेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनकरेज द ग्रोथ ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन। हमारे शरीर में, हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्दी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। ठीक है, सम कार्बोहाइड्रेट्स आर हाई इन फाइबर। बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है जो कि प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन से और लोअर करते हैं रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीजेस। कई डिजीज के रिस्क को क्या करते हैं, घटा देते हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। अगर हम लोग फाइबर इनटेक रेगुलर करते हैं लार्ज क्वांटिटी में तो कई डिजीज से हम लोग बच सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है और हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है। तो दे आर इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग आवर बॉडी फंक्शंस एज वेल। सो वी कैन क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स इन डिफरेंट वेज। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर क्लासेस डिपेंडिंग वेदर और नॉट दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड इफ दे डू ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। सबसे पहले कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, पहला है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स होते हैं ये, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाई हाइड्रोलिसिस टू गिव सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब इससे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें हमें मोनोसेक्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं मोनोसेक्राइड के, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों के ही मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स एंड देयर मॉलिकुलर फॉर्मूला इज C6H12O6। दूसरा है ऑलिगोसेक्राइड्स। ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ऑलिगोसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड डिफरेंट डेफिनेट नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब ऑलिगोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें 2 से 9 मोनोसेक्राइड्स इकट्ठा करके बने रहते हैं। मतलब 2 मोनोसेक्राइड एक साथ मिल गए, या 3 मिल गए, 6 4 मिल गए, अप टू 9 अगर मोनोसेक्राइड मिलके एक नया कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ऑलिगोसेक्राइड्स बोलते हैं। मीन्स ऑलिगोसेक्राइड्स में 2 से 9 मोनोसेक्राइड होते हैं, 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। एग्जाम्पल है डाइसेक्राइड्स, दे इंक्लूड डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, ऐसे विच ऐसे ऐसे ऑलिगोसेक्राइड्स जिसमें जो कि हाइड्रोलिसिस पे 2 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स यील्ड करते हैं, ऐसे ऑलिगोसेक्राइड्स को हम लोग डाइसेक्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल है सुक्रोज एंड माल्टोज। सुक्रोज एंड माल्टोज बोथ हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C12H22O11। डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हो गए, डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल क्या हो गए, माल्टोज एंड सुक्रोज। ये देखिए सुक्रोज मॉलिक्यूल जो है उसका भी फॉर्मूला होता है C12H22O11, और माल्टोज का भी C12H22O11। अगर इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, तो ये सुक्रोज क्या होता है, ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और माल्टोज होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो अगर इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइसेक्राइड की, तो 2 मोनोसेक्राइड हमें मिलते हैं। क्लासिफिकेशन पॉलीसेक्राइड्स, पहला हो गया मोनोसेक्राइड्स, दूसरा हो गया ऑलिगोसेक्राइड्स, तीसरा है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव हाई मॉलिकुलर वेट विच यील्ड मैनी मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, उनको ब्रेक करें, तो ढेर सारे मोनोसेक्राइड्स हमें प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। एग्जाम्पल्स इसके पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है स्टार एंड सेलुलोज। एग्जाम्पल्स आर स्टार्च एंड सेलुलोज, बोथ ऑफ विच हैव मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ C6H10O5N-. देखिए स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5N-, इसको अगर हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इनकी हाइड्रोलिसिस से, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से क्या मिला, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिले।
अब हम लोग मोनोसेक्राइड्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे. मोनोसेक्राइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू थ्री डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. किस बेसिस पे? द प्लेसमेंट ऑफ इट्स कार्बोनिल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन एटम इट कॉन्टेन्स, एंड इट्स काइरल हेडनेस. काइरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये भी आगे बताते हैं. तो इफ द कार्बोनिल ग्रुप इज एन एल्डिहाइड, द मोनोसेक्राइड इज एन एल्डोज. एल्डोज क्या है? एक एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड का. इफ द कार्बोनिल ग्रुप इज ए कीटोन, द मोनोसेक्राइड इज कीटोज. तो एल्डोज और कीटोज एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड्स के, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप कौन से कार्बोनिल ग्रुप है. उसमें अगर एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप है तो वो एल्डोज कहलाता है, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप कीटोन है तो कीटोज कहलाता है मोनोसेक्राइड. सो मोनोसेक्राइड्स विद थ्री कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ट्रायोसिस. अगर थ्री थ्री उसमें कार्बन एटम्स है तो उसको हम लोग ट्रायोसिस बोलते हैं. फोर कार्बन एटम्स है तो हम लोग टेट्रोसिस बोलते हैं. फाइव है तो पेंटोसिस बोलते हैं. एंड सिक्स कार्बन एटम्स है मोनोसेक्राइड में तो हम लोग उसे हेक्सोसिस बोलते हैं. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स. ट्रायोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेक्राइड जिसमें तीन कार्बन एटम्स होते हैं. टेट्रोस एग्जाम्पल है एरिथ्रोस जिसमें चार कार्बन एटम्स होते हैं. पेंटोज एग्जाम्पल है राइबोस. हम लोगों ने राइबोन्यूक्लिक एसिड पढ़ा हुआ है जिसमें पेंटोज सुगर होता है राइबोस. ठीक है, इसमें पांच कार्बन एटम्स होते हैं राइबोस में. और एग्जाम्पल है हेक्सोसिस का जिसमें कि सिक्स कार्बन एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में. एग्जाम्पल है हेक्सोसिस के ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो इस तरीके से मोनोसेक्राइड्स कैन बी ट्रायोसिस, दे कैन बी टेट्रोसिस, दे कैन बी पेंटोसिस, दे कैन बी हेक्सोसिस, डिपेंडिंग ऑन उनमें कितने कार्बन एटम्स हैं. अब मोनोसेक्राइड्स में हम लोग ने देखा एल्डोसिस क्या होते हैं. एल्डोसिस हैव एन एल्डिहाइड ग्रुप एट वन एंड. एल्डोसिस में जैसे ये एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज, विच हैव एल्डिहाइड CHO. CHO क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है एक एंड पे, तो इसको हम लोग एल्डोसिस बोलते हैं. कीटोसिस क्या होते हैं? एग्जाम्पल है फ्रक्टोज. फ्रक्टोज क्या है? एक तरीके का कीटोज है जिसमें कि कीटो ग्रुप क्या है यूजुअली एट C2. C2 पे क्या होता है? इसमें एक कीटो ग्रुप होता है. ये देखिए कार्बन नंबर टू पे क्या होता है? कीटो ग्रुप होता है CO. तो हम लोग इसको कीटोज बोलते हैं. अगर कीटो ग्रुप है तो हम लोग कीटोज बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज बोलते हैं. तो डी ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोज एंड डी फ्रक्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीटोज. यू कैन सी इन द स्लाइड व्हाट आर डी ग्लूकोज एंड व्हाट आर डी फ्रक्टोज. डी वर्सेस एल डेजिग्नेशन. डी और एल डेजिग्नेशन क्या है? डी इज डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो एंड एल फॉर लीवो. डेक्स्ट्रो एंड लीवो क्या होते हैं? डेक्स्ट्रो एंड लीवो या डी एंड एल डेजिग्नेशन आर बेस्ड ऑन द कन्फिगरेशन ऑफ द सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन इन ग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है, इसमें जो काइरल काइरल कार्बन होता है, काइरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसमें कि चारों ग्रुप्स चार बॉन्ड्स होते हैं, तो चारों ग्रुप्स अलग अलग होते हैं. तो ऐसे कार्बन एटम को हम लोग काइरल कार्बन एटम बोलते हैं. तो डी और एल फॉर्म इसी पे डिवाइड होता है कि डेक्स्ट्रो है कि लीवो है. ये लोअर वाला फॉर्म, ये इस तरीके से अगर हम लोग टू डायमेंशनल रिप्रेजेंट करते हैं किसी थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को एक डायमेंशनल फॉर्म में, जैसे कि हम लोग ये बॉन्ड्स के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन. फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन. जैसे ये फिशर प्रोजेक्शन है ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड का, इसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन. सो फिशर प्रोजेक्शन क्या है? फॉर सुगर्स विद मोर देन वन काइरल सेंटर. काइरल सेंटर हमने बताया कि ऐसे ऐसे कार्बन एटम जिसपे कि चारों ग्रुप्स क्या होंगे, चारों बॉन्ड्स पे अलग अलग ग्रुप्स लगे होंगे. देखिए इस पे एक पे क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा है. दूसरे पे क्या लगा है? ये पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है. तीसरे पे OH लगा हुआ है. चौथे पे CH2OH ग्रुप लगा हुआ है. तो ये कार्बन क्या कहलाता है? ऐसे कार्बन एटम्स जिसमें कि चारों ग्रुप्स, चारों बॉन्ड्स अलग अलग ग्रुप्स से अटैच्ड होते हैं,
ऐसे कार्बन एटम को हम लोग काइरल कार्बन एटम बोलते हैं। मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग सुगर्स आर डी आइसो, ज्यादातर जितने नेचुरली ऑकरिंग सुगर्स होते हैं वो डी आइसोमर होते हैं, मतलब डेक्स्ट्रो आइसोमर्स होते हैं। तो डी एंड एल सुगर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। देखिए ये देखिए ये दोनों क्या है, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, ये क्या है एक दूसरे के, ये देखिए अगर मिरर हम लोग बीच में रख देते हैं तो ऐसा लगेगा कि इसका ये इमेज है, हम लोग बीच में एक मिरर रखते हैं तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो डी ग्लूकोज इज द मिरर इमेज ऑफ एल ग्लूकोज, सो डेक्स्ट्रो एंड एल लिवो सुगर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर, दे हैव द सेम नेम, एग्जाम्पल डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। अदर स्टीरियो आइसोमर्स हैव यूनिक नेम्स, दूसरे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनके यूनिक नेम होता है, जैसे ग्लूकोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है, ये क्या होते हैं। और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स डिपेंड करते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे उस मॉलिक्यूल के, इट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। तो एन, अगर नंबर ऑफ एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं तो उसके स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे 2 to the power n, वेयर एन नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर्स। द 4 and 5 कार्बन किटोसिस आर डेजिग्नेटेड बाई इंसर्टिंग यूएल इन टू द नेम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डोज। फॉर एग्जाम्पल डी राइबुलोज इज द कीटो पेंटोज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एल्डो पेंटोज डी राइबोज। ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है कार्बोहाइड्रेट्स के, ये अगर हम लोग मिरर रख दे तो ये डी एंड एल फॉर्म्स एक दूसरे के बन जाते हैं। और ये क्या है, फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन हमने बताया क्या होते हैं, 2 dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए 3 dimensional मॉलिक्यूल, इसको फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये है फिशर प्रोजेक्शन। 3 dimensional अगर मानते हैं तो ये 2 dimensional स्ट्रक्चर इस तरीके बनता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन।